स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त कुलदीप निवासी करनाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि कुलदीप पेट्रोल पंप से स्कूटी में तेल डलवाकर घर की तरफ जा रहा था, तो पीछे से तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें कि करनाल के मेरठ रोड पर हुई सड़क दुर्घटना में कुलदीप नामक व्यक्ति की मृत्यु का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 5 के रहने वाले एक व्यक्ति का मेरठ रोड पर कार के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद घायल कुलदीप को अमृतधारा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, बाद में जिसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस में रखवा दिया गया है। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कार का नंबर नोट कर लिया गया है और मामला दर्ज भी कर लिया गया है। कार चालक की तलाश की जा रही है। वहीं परिजनों ने बताया कि कुलदीप पेट्रोल पंप से स्कूटी में तेल डलवाकर घर की तरफ जा रहा था, तो पीछे से तेज गति से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कार चालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने और मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग उठाई है। इस हादसे से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस दुर्घटना में एक घर का चिराग बुझ गया। एक स्कूटी पर सवार जा रहा था, उसका एक्सीडेंट कर दिया किसी कार ने और इलाज के लिए मुर्दार अस्पताल में दाखिल है। तो वहाँ पहुँचे तो ये बोलने की हालत नहीं था, तो अनफिट कराया। अगले दिन सूचना मिली हुई है, दौरान इलाज मौत होगी इसकी। क्या कार्रवाई की जा रही? कार्रवाई जिसने भी एक्सीडेंट किया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। कार सवार के खिलाफ मामला दर्ज करने जी जी कार को हिरासत में ले लिया? नहीं, कार को कब्जे में ले लिया, नंबर आ गया उसका। अच्छा, और इसके बाद उसकी तलाश की जाएगी कार की। बाहर का है? बाहर का है, पंजाब का। वो तो उसी टाइम उसको हॉस्पिटल में छोड़ गया है बता रहे हैं अभी, बाकी देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं क्या रहेगा। पंजाब से लाएंगे फिर तो नोटिस वो नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।